ग्वालियर में क्राइम ब्रांच और एफएसटी की टीम ने एजी ऑफिस पुल के पास चेकिंग के दौरान एक इंडिका कार से 25 लाख रुपए बरामद किए हैं। आदर्श आचार संहिता के पालन में ग्वालियर शहर में जगह जगह नाकेबंदी की गई है। यहाँ हर आने जाने वाले 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है। इसी के तहत एजी ऑफिस पुल के पास एफएसटी और क्राइम ब्रांच की टीम ने कार को चेकिंग के दौरान रोक लिया। इस गाड़ी की जब तलाशी ली गई तो मुरार में रहने वाले एक पत्थर कारोबारी हरिकृष्ण सिंगल के पास एक बैग में 25 लाख रुपये भरे हुए थे। पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि वह पत्थर का कारोबार करते हैं, इसलिए उन्होंने यह पैसा बैंक से निकाला है। हालांकि पुलिस ने पैसे को जब्त कर लिया है। इस मामले में पुलिस जाँच कर रही है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि आदर्श आचार संहिता के दौरान सिर्फ 50,000 कैश अपने साथ रख सकते हैं, लेकिन चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में पैसा मिला है, इसलिए उस कैश को जब्त कर लिया गया है। व्यापारी इन पैसों के बैलेट पेपर कमेटी के सामने पेश करेंगे तो उनके पैसे वापस कर दिए जाएंगे। फिलहाल व्यापारी से मिले 25 लाख की कैश की सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी दी गई है। इस मामले में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी आगे की कार्रवाई करेगा। आपको क्या कह रहे हैं? आचार संहिता लगी हुई है, आपको पता है क्या? आचार संहिता पे मैंने गौर नहीं किया, शहर के बाहर नहीं जा रहा था मैं। नहीं, शहर के बाहर नहीं, नहीं। आचार संहिता का पता है नहीं, मैंने ज्यादा गौर नहीं किया, कह तो रहा हूँ आपको। हाँ, तो अभी आचार संहिता लगी उसमें क्लियर आदेश रहता है ना कि 1 लाख से ऊपर रुपए लेके जाओगे। मैंने आचार संहिता, मैं ये नहीं कह रहा नहीं लगी है, लेकिन मैंने उस चीज पे गौर नहीं किया। चलो ठीक है, बैंक से लाया हूँ। अब 10,000 भी इसमें रख दो जी, 10,000 भी रख दो इसमें, 10,000 भी रख दो। और इसका स्टेटमेंट चेक कराओ का है ना। अभी कहाँ जा रहे थे आप? मैं दालवेयार, मेरी दुकान है वहाँ पर जा रहा था। ऑफिस है जी? अच्छा, ये रखो इसी में ना, ये अलग है उसके। सर, चेकिंग के दौरान कुछ पकड़े गए, क्या हुआ मामला था? ये कल चेकिंग के दौरान एक इंडिका गाड़ी से, अभी चुनाव के दृष्टिगत एफएसटी एसएसटी का चेकिंग हर जगह चल रहा है, तो चेकिंग के दौरान एक गाड़ी आ गया था, इंडिका गाड़ी, उसमें दो लोग बैठा हुआ था, उनके पोसेशन से 25 लाख रुपया मिला था। अभी जो इलेक्शन के रूल्स के अनुसार 50,000 के ऊपर जो कैश ट्रांसफ़र ट्रांसपोर्ट करना विदाउट डॉक्यूमेंट्स मना है, तो अभी हमने डॉक्यूमेंट्स मांगा तो वो लोग प्रोड्यूस कर नहीं पाया कल। वो पैसा तो जब्त किया है, वो अभी जो सीईओ जिला पंचायत के नेतृत्व में एक कमेटी बनाया है, उस कमेटी के सामने वो व्यक्ति अगर डॉक्यूमेंट्स पेश किया तो वो रिलीज हो जाएगा। इसमें अभी 10 लाख के ऊपर होने के वजह से ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी इसका सूचना दी जाएगी।